ठंडा तो हो रहा है भाई यहाँ पे, ठंडा तो हो रहा है, मेरे को अभी ठंडा लगने लगा है, मेरे को लग रहा है। कितने रुपए में देता है अभी? फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मनाली हाईवे पे, यहाँ पे ट्रकों की बहुत लाइन है यार, और बहुत सारे ट्रक भी चल रहे हैं। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट सामने पूरी धुंध हो रही है। खाली बर्तन कोई फिरूं लद्दाख में मैं, मुझे जाने से पहले है कुछ तो ऐसा करना, गड़ा हो तेरे दिल में मेरा झंडा रे यारा, तू है खाबू। तो भाई आपको पता होगा हमारे YouTube चैनल पे आजकल मनाली राइड के एपिसोड चल रहे हैं, एंड ये उस कुल्लू मनाली राइड का सेकंड एपिसोड है। सो वेलकम टू द सेकंड एपिसोड, और आप देख रहे हो द केड इज ऑन YouTube चैनल। मेरा नाम है कौशल डिमरी एंड वेलकम टू द न्यू व्लॉग गाइस। तो भाई आपको पता होगा कि आपका भाई यानी कि मैं अपनी ड्रीम राइड मतलब लद्दाख के बाद जो मेरा ड्रीम राइड है मनाली, उस पे निकल रहा हूं सोलो। जैसे कि गाइस आपने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मैं देहरादून से चंडीगढ़ पहुंच गया था, एंड ये उस राइड का सेकंड एपिसोड है, मतलब ये सेकंड डे हम कंटिन्यू करेंगे यहां से। चंडीगढ़ से लेके कहां तक वो तो आपको वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन ये हमारा सेकंड डे शुरू होता है चंडीगढ़ से। बाकी शुरू करते हैं सेकंड एपिसोड को एंड मेरे मनाली राइड का दूसरा दिन। फटक से लाइक कर दो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट भी कर देना, एक हार्ट तो कमेंट में ड्रॉप कर ही दो। एंड यार गाइस मैं देख रहा हूं कि कोई भी लाइक नहीं करता, तो प्लीज लाइक कर दो। अभी आप एंजॉय करो सेकंड एपिसोड हमारा चंडीगढ़ से लेके। सो गाइस फाइनली हो चुका हूँ पूरा गियर अप, ये आप देख सकते हो मैंने पूरा राइडिंग जैकेट और नी गार्ड वगैरह इसके अंदर पहने हुए हैं। तो अभी निकलते हैं यहाँ से डायरेक्ट, और फाइनली गाइस मनाली राइड का एपिसोड 2। मेरा गाइस बाइक मैंने पूरा लगेज वगैरह बांध दिया था अभी सुबह, और बाइक अभी देखो ऐसा कुछ और ख्याल लगेज वगैरह के लिए। थोड़ा बाइक को सबसे पहले कोल्ड स्टार्ट करते हैं, और हमारा लियो विंस की आवाज़ चंडीगढ़ के पुलिसों से बच के जाना है पहले आज। गाइस फाइनली हम निकल रहे हैं चंडीगढ़ से, मतलब अभी मैं एयरफोर्स के क्वार्टर में हूँ चंडीगढ़ में, और मौसम आज गाइस पूरा मस्त हो रखा है चंडीगढ़ में। मौसम देख रहे हो तो मतलब जो मेरे को पसंद है ना वही वाला मौसम आज हो रखा है, रोमांटिक टाइप का वेदर जिसको हम बोलते हैं अपनी लैंग्वेज में। एंड गाइस चंडीगढ़ की पुलिस बहुत खतरनाक है, मुझे यहाँ बहुत सेफली चलना पड़ेगा भाई, एग्जॉस्ट लगा के घूम रहा हूँ अपनी गाड़ी में लियो विंस का। कल ये मंडी जाने के लिए कहाँ से जाएंगे? मंडी जाने के लिए ये सामने कौन सी गाड़ी है गाइस? BMW की है शायद, कमेंट में बताओ ये सामने कौन सी गाड़ी है हमारे। हम चंडीगढ़ से बाहर निकल रहे हैं, और तुम अभी का नजारा देखो, मतलब पूरा फॉगी वेदर हो गया चारों तरफ। ये हाल है चंडीगढ़ के भाई, तो शिमला मनाली में क्या हाल होगा। बाय द वे आज हम शिमला होते हुए नहीं जाने वाले हैं, आज का टारगेट मैं मंडी लेके चल रहा हूँ, मंडी से पीछे मंडी से आगे जहाँ भी होगा मतलब उसके आस पास तो पहुँचना ही पहुँचना है। और यहाँ से लुधियाना 87 लिखा हुआ है, बट हाईवे देख रहे हो तुम, हाईवे की क्वालिटी तो मस्त है भाई चंडीगढ़ में। ओके तो फाइनली अब आ गए हैं मनाली हाईवे पे, मनाली यहाँ से 292 किलोमीटर है। फाइनली गाइस हम आ चुके हैं मनाली हाईवे पे, और अब यहाँ से हम फ्रीली जा सकते हैं, मतलब बाइक को पहलते। अभी मैंने ग्लव्स खोल रखे तो ग्लव्स पहनते हैं सबसे पहले यहाँ पे। तो इस ट्रिप की पहली 150 चले गई है गाड़ी। ठंडा तो हो रहा है भाई यहाँ पे, ठंडा तो हो रहा है, मेरे को अभी ठंडा लगने लगा है, मेरे को लग रहा है मेरे को आगे जाके इसका लाइनर वगैरह पहनना पड़ेगा अपना राइडिंग जैकेट का। अभी गाइस बस हम चंडीगढ़ से निकले हमको 15-20 किलोमीटर हो रहा है, और अभी से गाइस ठंड लगने लगी है यहाँ पे। गाइस मैं बहुत देख रहा हूँ लोग यहाँ पे ना प्याज के कट्टे लेके बैठे हुए हैं, देखो मुझे लग रहा है यहाँ के आसपास के किसान लोग ना यहाँ पे प्याज व्याज बेचते हैं। अंकल को पूछते हैं, अंकल ये प्याज है क्या? प्याज है कितने रुपये में देता है आप ये? हैं 550 की बोरी है। अच्छा रुको आ रहे पीछे हो, 550 रुपए की बोरी दे रहे भाई, इट्स गुड डील गाइस आई थिंक। मेरे को पता नहीं ये सही डील है या नहीं डील है, मेरे को बताना आप लोग, क्योंकि मैं सब्जी वब्जी की शॉपिंग तो करता ही नहीं हूँ, मेरे को पता नहीं प्याज कितने रुपए किलो चल रहे हैं। गाइस यहाँ पे आ चुका है एक टोल, तो ये रहा गाइस एक टोल यहाँ पे मनाली राइड का हमारा टोल डे 2 का, पर यहाँ टोल में कोई नहीं है, ये बंद पड़ा हुआ है। सो गाइस अभी मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक रिफ्यूलिंग मारने के लिए, मैंने सुबह से गाड़ी में पेट्रोल नहीं डाला है। सभी का व्यू देखो यहाँ पे, दो ब्रिज आ गए मस्त से, और भाई यहाँ हाईवे इतना सेक्सी है ना क्या बताऊँ गाइस आप लोगों को, मजा आ रहा है बाइक चला के। और ये वाले पुल देख रहे हो भैंस के टांग, तुम लोग भयंकर। यहाँ पे ना मजा आ रहा है, ऐसे सांप बना के चलाना पड़ रहा है गाड़ी, मतलब एक इस लाइन में कभी इस लाइन में। आपको गाइस अभी मैं पावर दिखाता हूँ हमारी फायर फ्लाई की, ये देखो हमारी गोली।
अभी गाइस पता है मैंने कौन से गाने लगा रखे हैं? सीधे पहाड़ से डर नहीं लगता यहाँ से हड़की दहाड़ से। यहाँ पे गाइस एक बहुत बड़ा सा गेट है, ये देखो। यहाँ पे गाइस पेंटिंग बनी हुई है एक खतरनाक वाली वॉल पे। एक लीन मारते हैं यहाँ पे से, ज्यादा मैं लटाऊंगा नहीं, यहाँ गिर विर गए तो भाई क्या करेंगे। तो यहाँ पे से गाइस मंडी बचा हुआ है 114 किलोमीटर, बिलासपुर 49, मतलब हमको 114 किलोमीटर तो आज करना ही करना है। गाइस अभी यहाँ पे थोड़ा से लंच करते हैं, मेरे को भूख भी लग गई थी और ये जगह थोड़ा अच्छी अच्छी लग रही थी, तो यहीं पे जाके थोड़ा सा खाना खाते हैं यहाँ पे। तो इस जगह पे रुक के करते हैं अपना लंच, और पराठे खाने का मन कर रहा है भैंस का डांग मेरा। और सो फाइनली गाइस मैंने यहाँ पे लंच कर लिया, दो पराठे मारे मस्त मस्त भाई, गर्म गर्म मजा आ गया। तो यहाँ पे खाया हमने खाना रुद्रा टूरिस्ट ढाबा पे, और पराठे तो भैया भैया ने बड़ा सेक्सी बना रखे थे कसम से, मजा आ गया था। और अभी गाइस 3:30 हो गया, 4 बजे मुझे ब्लॉग अपलोड करना है, अभी तक उसकी थंबनेल नहीं बनाई है, तो थंबनेल बनानी पड़ेगी, कहीं पे बैठ के टैग वगैरह डालेंगे देन हम पब्लिश करेंगे इसको आधे घंटे बाद। अभी गाइस यहाँ पे कुछ ऐसा नज़ारे हो चुके हैं, और भाई यहाँ पे हल्का हल्का अंधेरा होने लगा है, मतलब अभी 4:30 भी नहीं बजी है। ये वाली जो रोड है ना बहुत बिजी रोड है, मतलब बहुत ट्रैफिक है यहाँ पे, खासकर ट्रकों का। कोई बाहर का राइड आएगा तो उसकी अच्छी खासी फट जाएगी, हम तो पहाड़ी लौंड हैं तो हमको आदत है ऐसे रोडों पे चलाने की, बट कोई नया नया बाहर का ड्राइवर आएगा, बाहर का राइडर आएगा तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बहुत खतरनाक खतरनाक वाले मोड है यहाँ पे। और ऊपर के नज़ारे चेक करो गाइस, क्या मस्त मस्त नज़ारे आ रहे हैं। भाई यहाँ ट्रक इतने चल रहे हैं ना गाइस, क्या बताऊँ आप लोगों को, इन ट्रक लोगों ने तुम्हारा दिमाग ख़राब कर दिया है। देखो आगे भी ट्रक, पीछे भी ट्रक, और इधर से भी ट्रक ही आ रहा है। अभी गाइस शाम के 5 बज रही है, और अभी भी गाइस मैं मंडी से अराउंड 25-30 किलोमीटर दूर हूँ, ऐसे अंकल ने बोला, मेरा इंटरनेट यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो गूगल मैप पे तो मैं देख नहीं सकता। बिलासपुर यहाँ से 10 किलोमीटर है, मतलब बिलासपुर एक जगह है जो नेक्स्ट जगह आएगी, मतलब नेक्स्ट टाउन टाइप का, जहाँ पे थोड़ा मार्केट वार्केट होगा अच्छा। मैं सोच रहा हूँ कि बिलासपुरी में रुक जाऊँ, वैसे मेरा प्लान था आज मंडी जाने का, मंडी वैसे ज़्यादा दूर तो है नहीं, बट अभी क्या है ना मेरे को वो लग रहा है बहुत खतरनाक वाला ठंडा, भाई ठंडा लग रहा है। यहाँ पे ट्रकों की बहुत लाइन है यार, और बहुत सारे ट्रक भी चल रहे हैं, हिमाचल में लगता है कुछ होता है। मनाली यहाँ से गाइस 180 किलोमीटर, शिमला 78, रास्ते गाइस शिमला के लिए जाता होगा। अगर हम शिमला जाते तो कल हम उस रास्ते से आते, बट हम शिमला के थ्रू नहीं जा रहे हैं। लेट्स सी गाइस मैं कहाँ रुकता हूँ, मैं अंधेरे में बाइक नहीं चलाऊंगा, क्योंकि अंधेरे में ना व्यूज सारे गायब हो जाते हैं, मतलब कुछ दिखा नहीं पाऊंगा ना मैं आप लोगों को, सिर्फ अंधेरा अंधेरा देखेगा तो वो अच्छा ही लगता है। आई डोंट नो आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, बट सामने पूरी धुंध हो रखी है, मतलब जैसे हमारे उत्तराखंड में सुबह सुबह होता है ना वैसा वाला वेदर हो रखा है अभी यहाँ पे। भाई हमारे उत्तराखंड और हिमाचल के वेदर में गाइस जमीन आसमान का फर्क है भाई, अपने वहाँ इतना ठंडा नहीं हो रहा था, बट यहाँ गाइस बहुत ज्यादा ठंडा है। अभी यहाँ पे भाई हल्की हल्की रात होने लगी है, कुछ देर में पूरा अंधेरा हो जाएगा। तो अभी गाइस बिलासपुर पहुँच चुके हैं, शायद यही है बिलासपुर। तो फाइनली गाइस मैंने इस जगह पे रूम लिया है, और अभी मेरे को सबसे पहले अपने बाइक का लगेज निकालना है, बहुत खतरनाक वाला ठंडा लगा था, तो मैं बोला रुक जाते हैं कहीं पे, और बाइक भी यहाँ पे ठीक ठाक पार्किंग है,